चार दिन पूर्व महिंद्रा टू व्हीलर कंपनी में हुई लाखों रुपए की इटालियन मशीनों के पार्ट्स चोरी का मामला पुलिस ने महज 24 घंटे में ही सुलझा दिया है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे एवं मुखबिर तंत्र की सूचना पर 24 घंटे के अंदर आरोपियों की जानकारी इकट्ठा कर गिरफ्तार किया है। साथ ही अपराध में उपयोग मारुति इको कार और दो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पीथमपुर स्थित महिंद्रा टू व्हीलर प्लांट से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 10 तारीख की रात में अज्ञात बदमाशों द्वारा कंपनी के अंदर बेशकीमती इटालियन मशीन के पार्ट्स चोरी कर लिए, जिनकी कीमत 65 लाख रुपए है। सूचना पर अपराध कायम किया गया था। पंजीकृत क्षेत्र में हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए पीथमपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार इंद्रजीत बकलवार द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा को उपयुक्त घटना के संबंध में जल्द से जल्द टीम गठित कर मुखबिर तंत्र तथा अन्य सीसीटीवी कैमरे से आरोपी की तलाश और माल बरामद करने हेतु थाना प्रभारी एक संतोष दूधी के निर्देश में एक टीम गठित की गई थी। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। क्या है 10 तारीख की रात को महिंद्रा कंपनी में कोई बदमाश घुसे थे, जो वहाँ से कुछ इटालियन मशीन है और कुछ कॉपर वायर वगैरह चुरा कर ले आए थे। हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके इसकी पतारशी के लिए एक टीम लगाई थी। टीम ने जो है आसपास के सीसीटीवी कैमरे वगैरह सर्च किए, उसमें पाया कि इको स्पॉट गाड़ी का उपयोग हुआ है। सर्च करते हुए हमने गाड़ी को जो है ट्रैक किया और इसके चालक मुकेश भील से पूछताछ हुई। मुकेश ने बताया कि उसने अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर ये वारदात की है। इन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है और इनसे पूरा माल जो कंपनी से चोरी गया था, करीब 65 से 70 लाख रुपए कीमती है, वो बरामद किया गया है। सर, इन आरोपियों पे पूर्व में भी कोई मामले दर्ज है क्या? इसमें जो है मुकेश और इंदर, इनके खिलाफ धामनोक थाने में कुछ दर्ज मामले हैं, एक दो, और बाकी 3 आरोपी हैं जिन पर ये पूछताछ हो रही है, उन पर कोई प्रकरण नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। संतोष दूधी, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।